पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, दो आतंकी काबू, 3 ग्रेनेड, 1 लाख नकदी व कार बरामद। अमृतसर पुलिस ने आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि दोनों मकबूलपुरा इलाके की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने दोनों से 3 हैंड ग्रेनेड, 1 लाख की नकदी व 1 कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस घटना के बारे में किसी भी तरह की पुष्टि नहीं कर रही है और कुछ भी देर में पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। उधर फिरोजपुर से पहुंची गिरफ्तार हुए अंग्रेज सिंह की पत्नी परमजीत कौर ने बताया कि उसका पति गोल्डन टेंपल माथा टेकने पहुंचा था। गत रात पुलिस ने फोन कर बताया कि अंग्रेज सिंह व प्रकाश सिंह को पकड़ लिया गया है। पत्नी परमजीत कौर ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उसके पति को झूठे आरोप में फंसाया गया है। देखो साड़ी झूठी है तो झूठा ने परचा पाया गया मेरे घर का नाम लेंदा पे ने। आ देखो ना रिपोर्टा देखो 14 तरीक दी तो 15 तरीक ने इन्होंने बंदा फड़ लिया मेरा मत्था टेकन आया। देखो हाँ देखो टोटल मेरा पुत्र मत्था टेकन मत्था टेकना सीधी जाती मेरी ना। अच्छा साडा बंदा बाहर आना चाहिए पर सानू कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुलिस ने की तुम दसिया की गल हुई है? पुलिस ने तो बड़ा कुछ दसी बैठा सानू पता नहीं है पक्का। हाँ एक घंटे की कुछ कर सकते तेन पता ही है। घंटे बाद फोन बंद हो गई है उदू बाद सानू कोई पता नहीं। फिर असी सारे रिश्तेदारों भैन ब्राह्मण सब फोन ला फिर असी हार के फिर असी थाने दरखास्त दी थी साडे बंदे लाज चार दो की नाम रहा हूं तुहानू पुलिस ने की दस्या की पाया ताडे बच्चियां दे कोई मैं तां कोई दस नहीं आंदा सानू मिल नहीं देंदे पए पुलिस ने पैसे भी दिते उहनां नूं पैसे भी कोई बरामद होए आ ਪਾਜੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਫੁਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ 3 ਗ੍ਰੇਡ ਗੰਦਵੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪਰਸੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ।